हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ टेक ऑफ फैन फिक्शन साइको फॉल फॉर ए प्योर इनोसेंट एंजल के पार्ट 7 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जिन कहता है, माय इडियट सन, अपने हस्बैंड को कोई फोरहेड पर किस करता है? चुम्मी लेना है तो ऐसे लो ताकि मज़ा आ जाए, मन और आत्मा दोनों को शांति मिले। मिसेस किम अपने सन के चेहरे को ही देख रही थी। तयंग के होठों पर से एक पल के लिए भी स्माइल गायब नहीं हो रहा था। ऑल्सो ते वेडिंग सूट में बिल्कुल एक एंजल की तरह लग रहा था। जिन अपने सिस्टर इन लॉ को इमोशनल होते देख उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, अगर आप ते को लेकर परेशान हो तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप उसके चिंता करना छोड़ दो। जंगकुक बाहर से टप दिखाई देता है लेकिन वो अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और काइंड है, स्पेशली तेई के लिए। शादी के सभी अरेंजमेंट जंगकुक ने खुद किया है। शुगा स्टेज पर चढ़कर सबके ध्यान आकर्षित करते हुए कहता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी समय है न्यूली मैरिड कपल के केक कट करने का। केक कटिंग सेरेमनी अभी स्टार्ट होने वाला है तो आप सब स्टेज के तरफ आ जाइए। सभी गेस्ट स्टेज के तरफ आ जाता है। जंगकुक तयंग के हाथ पकड़ कर उसके साथ स्टेज पर आ जाता है। उसके बाद दोनों साथ में केक कट करता है। ते केक का एक छोटा सा टुकड़ा हाथ में उठाकर जंगकुक के मुंह के पास ले आता है। जंगकुक धीरे से कहता है, मैं स्वीट नहीं खाता। जिन इशारा कर म्यूजिक स्टार्ट करने के लिए कहता है लेकिन जंगकुक तयंग को लेकर मिसेस किम और अपने मॉम के पास आकर कहता है, शादी के रिचुअल्स करते करते ते बहुत ज़्यादा थक चुका है, आई थिंक अभी उसे रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिन अपने आई ब्राउज सिकोर कर कहता है, ते थक गया है या फिर तुमसे आप अपने हस्बैंड से दूर नहीं रहा जा रहा है। जंगकुक कहता है, मॉम आप जो समझ रहे हो ये सही नहीं है, ते अभी बहुत छोटा है तो मैं इस सब के बारे में सोच भी नहीं रहा हूँ। जिन कहता है, हाँ हाँ जाओ, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम उसे किस लिए घर लेकर जा रहे हो। जंगकुक जिन के साथ अभी कोई आर्गुमेंट नहीं करना चाहता था, इसलिए जंगकुक ते को लेकर वेडिंग हॉल से निकाल कर कार में आकर बैठ जाता है। जंगकुक तेयंग को अनकम्फर्टेबल देख कर कहता है, कम्फर्टेबल होकर बैठ जाओ, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा। जंगकुक के बातों से ते ब्लश करने लगता है। जंगकुक तेयंग के रेड चीक्स के तरफ बिना पल के झपकाए देख रहे थे। उसका मन कर रहा था तेयंग के रेड चीक्स को उंगली के बीच में होल्ड कर सॉफ्टली पिंच करने का। तभी जंगकुक के फ़ोन की घंटी बजता है और जंगकुक डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। जंगकुक मोबाइल स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए फ़ोन नंबर देखकर अपने आंखें बड़ी कर लेता है। जंगकुक तेई के तरफ देखता है। तेई विंडो से बाहर देख रहा था, फिर भी तेई के सामने कॉल पर बात करना थोड़ा रिस्क हो सकता है। जंगकुक अभी कोई रिस्क नहीं ले सकता, लेकिन जंगकुक इसे इग्नोर भी नहीं कर सकता था। जंगकुक अपने ही स्लाइबा निकाल लेता है। जंगकुक एक बार फ़ोन स्क्रीन के तरफ देखता है तो एक बार तेई के तरफ। अचानक तेयंग जंगकुक के तरफ मुड़ते ही दोनों के आंखें मिल जाता है। ते सॉफ्ट टोन में नाइसली कहता है, ह्योंग सब ठीक है ना? तेयंग का वॉयस सुन जंगकुक अचानक कांप जाता है। जंगकुक कहता है, नथिंग। ते कहता है, तो फिर आपके माथे पर पसीना क्यों है? कार में तो एसी ठीक से काम कर रहा है। जंगकुक जल्दी से राइट हैंड ऊपर कर माथे से पसीना पोंछ कर कहता है, वो वेडिंग सूट के वजह से अनइजी फील हो रहा है। वेट, मैंने तुमसे कितने बार कहा कि तुम मुझे ह्योंग कहकर नहीं बुलाओगे? ते कहता है, तो तुम्हें आपको क्या कहकर बुलाऊंगा? जंगकुक कहता है, जंगकुक जंगकुक कहकर बुलाओगे। ते कहता है, क्या नहीं, मैं आपको नाम से कैसे बुला सकता हूँ? आप मुझसे बड़े हैं। जंगकुक कहता है, कैसे बुला सकता हूँ से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम अपने मुंह से अपने पति को उसके नाम से बुलाओगे? चलो अब बुला कर दिखाओ। ते कहता है, क्या कहना है? जंगकुक कहता है, बोलो जंगकुक।
होते ही कहता है, नहीं मैं। जोंगकुक गुस्से से उसे घूरने लगता है। ते जोंगकुक को गुस्से में देखकर कहता है, ओके मैं ट्राई करता हूँ। जोंगकुक कहता है, आप बोलो भी। ते कहता है, नहीं मैं नहीं कर सकता। जोंगकुक कहता है, ओके अब तुम मेरे साथ बोलने की कोशिश करो, बोलो कुकी। ते कहता है, कुकी। जोंगकुक कहता है, साउंड्स गुड, चलो फिर से बोलो। ते शर्म से सिर झुकाकर उंगली से फाइट करते हुए कहता है, कुकी। जोंगकुक कहता है, देखा ये कितना आसान है। ते कहता है, हाँ ये तो बहुत आसान है। अचानक ते और जोंगकुक को एहसास होता है कि अभी वो दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं। जोंगकुक की हॉट ब्रीथिंग तयंग के फेस पर पड़ रहे थे। तयंग के आई लैशेस हिलने लगता है। हार्ट बीट इंक्रीज होकर डबल ट्रिपल हो जाता है। जोंगकुक के आंखें तय के लिप्स पर था। जोंगकुक को रियलाइज होते ही जोंगकुक खुद को तय से दूर कर लेता है। जोंगकुक तयंग से थोड़ा फासला बनाकर बैठ जाता है। फ़ोन फिर से वाइब्रेट होता है। जोंगकुक ड्राइवर से कार रोकने के लिए कहता है। ड्राइवर जोंगकुक के बात पर नोट कर कार किसी सेफ प्लेस पर रोक देता है। जोंगकुक कार से निकाल कर तेज से कहता है, मुझे वॉशरूम यूज़ करना है, तुम कार से बाहर मत निकलना, ओके। ते जोंगकुक के बात पर नोट करता है। जोंगकुक रेस्टोरेंट के अंदर आकर कॉल रिसीव करके कहता है, बार बार मुझे कॉल क्यों कर रहे हो। फ़ोन की दूसरी तरफ से जैक कहता है, बॉस मिस्टर जून जबरदस्ती मेंशन में घुसने की कोशिश कर रहा है। जोंगकुक कहता है, और तुम लोग क्या कर रहे हो, किस बात के लिए मैं तुम लोगों को पैसा दे रहा हूँ, क्या आजकल तुम लोगों को फूड कम मिल रहा है। जैक कहता है, नहीं बॉस मिस्टर जून आपके फादर हैं। जोंगकुक कहता है, फादर है तो क्या हुआ है। जैक कहता है, ठीक है बॉस मैं समझ गया। जोंगकुक कॉल कट करने से पहले कहता है, सियान सियान क्या कर रही है, क्या तुमने उसे नींद की डोज दे दिया। जैक कहता है, अभी तक नहीं। जोंगकुक कहता है, किसका इंतज़ार कर रहे हो, क्या एक काम भी अब मैं आकर करूं, अगर ते के सामने कोई सीन क्रिएट हुआ तो मेरे लिए वेट मत करना, जेब से गन निकाल कर अपने आप को शूट कर लेना। जैक कहता है, यस बॉस। जोंगकुक कहता है, हम आधे घंटे में पहुंच जाएंगे, इससे पहले सियान सो जाना चाहिए। जैक कहता है, बॉस सर्वेंट एक घंटे से उसे खाना खिलाने की कोशिश कर रही है लेकिन सियान मैडम खाना नहीं खा रही है। जोंगकुक गुस्से में सियान को गाली देकर कहता है, मेरे काम में टंग अराने की सजा ज़रूर मिलेगी, जस्ट वेट एंड वॉच। जैक सर्वेंट को कहो उसे फिट कराने की कोशिश करना बंद करके नींद की दवा पानी के साथ मिक्स करके ज़बरदस्ती उसे पिला दे। जैक कहता है, ठीक है बॉस। तेई विंडो से बाहर की तरफ देखते हुए मन ही मन सोचने लगता है, कुकी अभी तक रेस्टोरेंट से बाहर क्यों नहीं आया, क्या मुझे बाहर जाकर चेक करना चाहिए। नहीं ह्योंग ने मुझे कार से बाहर निकलने से मना किया है। लेकिन तभी तेई देखता है जोंगकुक हाथ में 4 बैग्स कैरी करके रेस्टोरेंट से बाहर आ रहा है। कुकी बहुत हैंडसम है। जोंगकुक कार में बैठकर बैग्स तेई के तरफ आगे करके कहता है, ए लो। तेई जोंगकुक के हाथ से बैग्स लेकर कहता है, इसके अंदर क्या है। जोंगकुक कहता है, कुछ पेस्ट्रीज और स्ट्रॉबेरी कपकेक्स हैं, तुम्हें स्ट्रॉबेरी केक पसंद है ना। तेई कहता है, हाँ बहुत ज़्यादा। लेकिन आपको कैसे पता कि मुझे स्ट्रॉबेरी केक पसंद है, मतलब स्ट्रॉबेरी केक मेरा फेवरेट केक है। जोंगकुक कहता है, मॉम ने बोला था। ते खुश हो जाता है। ते कार में बैठकर ही केक इंजॉय करने लगता है। जोंगकुक उसे लिटिल बेबी के तरह लिप्स पाउट करके केक खाते हुए देखकर कहता है, आराम से खाओ। ते स्माइल करके कहता है, कुकी आप भी ट्राई करो, ये बहुत ज़्यादा यम्मी और डिलीशियस है। जोंगकुक के कुछ कहने से पहले ते कहता है, ओ सॉरी आपको तो मीठा खाना पसंद नहीं है, ठीक है आपके हिस्से का भी मैं खा लेता हूँ। जोंगकुक कहता है, ओके। कार विला में एंटर करते ही जोंगकुक और तेई
कार से निकालकर विला में एंटर करता है। जैक भागते हुए आकर जोंगकुक और तेई को ग्रीट करता है। गुड इवनिंग सर। जोंगकुक आई ब्रोज ऊपर कर इशारों में जैक से सियान के बारे में पूछता है। जैक इशारा कर जोंगकुक को ये विश्वास दिलाता है कि सिचुएशन कंट्रोल में है। सर्वेंट दो लाइन में खड़े होकर जोंगकुक और तेयंग के ऊपर फूलों की बारिश करने लगता है। जोंगकुक तेई को बेडरूम में लेकर आता है। फ्लावर से सजे हुए बेडरूम देखकर तेयंग के दिल जोरों से बीट करने लगता है। नर्वसनेस के कारण तेयंग के हाथ कांपने लगता है। जोंगकुक जल्दी से अंदर आकर सभी कैंडल और फ्लावर हटाने लगता है। तभी तेई जोंगकुक के हाथ पकड़ लेता है। तेई कहता है, रहने दो, जिनू मम्मा को बुरा लगेगा, जिनू मम्मा ने बहुत प्यार से किया है। जोंगकुक कहता है, क्लोजेस्ट के लेफ्ट साइड में तुम्हारे कपड़े रखे हुए हैं, जाओ जाकर चेंज कर लो। तेई ओके कहकर चेंजिंग के लिए बाथरूम में आ जाता है। तेई एक घंटे की लंबी शावर लेकर खुद को फ्रेश करने के बाद बाथरूम से बाहर आ जाता है। तेई कमरे में आकर देखता है, जोंगकुक बेड से पिलो उठाकर काउच पर रख रहा है। तेई कॉन्फ्यूज्ड लुक से जोंगकुक के तरफ देखकर कहता है, पिलो काउच पर क्या कर रहा है? जोंगकुक कहता है, क्योंकि मैं यहाँ काउच पर सो रहा हूँ और तुम बेड पर, जाओ जाकर सो जाओ, मैं कमरे की लाइट्स बंद कर दूँगा। तेई कहता है, ठीक है। तेई जोंगकुक से बहुत ही ज़्यादा डरता है, इसलिए वो हिम्मत करके जोंगकुक से ये नहीं बोल पाया कि आज तो फर्स्ट नाइट है। तो जोंगकुक सोने की बात क्यों कर रहा है? ते बहुत इनोसेंट है। ते तुरंत सोचता है, मे बी यंग बहुत ज़्यादा थक गया है, इसलिए वो आराम करना चाहता है। ते बेड पर आकर लेट जाता है। तेई के बेड पर आकर लेटते ही जोंगकुक कमरे के लाइट्स ऑफ कर देता है। ते बहुत थक चुका था, इसलिए बिस्तर पर लेटते ही उसे नींद आ गया था। जोंगकुक को नींद बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। जोंगकुक काउच पर बैठकर लैम्प लाइट की रोशनी से तेयंग के इनोसेंट और ब्यूटीफुल फेस को घूरने लगता है। जोंगकुक उठकर बेड के पास आकर खड़े हो जाता है तेयंग को करीब से देखने के लिए। जोंगकुक जैसे तेयंग के लिप्स पर किस करने के लिए झुकता है, उसके मोबाइल पर किसी का कॉल आ जाता है। जोंगकुक तेयंग को मूव होते देख जल्दी से काउच पर से मोबाइल हाथ में उठाकर कमरे से बाहर आकर कॉल रिसीव करके कहता है, व्हाट हैपेंड मॉम? जिन कहता है, अभी के अभी हॉस्पिटल में आओ। जोंगकुक कहता है, मॉम अब ठीक तो है ना? जिन कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। जोंगकुक कहता है, तो फिर आप इस वक्त आधी रात को हॉस्पिटल में क्या कर रहे हैं? जिन कहता है, जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ, मैं सिटी हॉस्पिटल में हूँ। जोंगकुक कहता है, ठीक है मैं अभी निकलता हूँ। जोंगकुक कमरे में आकर क्लोजेस्ट ओपन कर जैकेट लेता है, उसके बाद कमरे से बाहर आ जाता है। जैक जोंगकुक को विला से निकालते हुए देखकर भागते हुए करके पास आकर कहता है, क्या हुआ बॉस, सब ठीक तो है ना? जोंगकुक कहता है, ड्राइव करो। जैक कहता है, ओके। जोंगकुक कार में बैठकर कहता है, सिटी हॉस्पिटल चलो। जैक कहता है, इतने रात को हॉस्पिटल? जोंगकुक कहता है, मॉम ने बुलाया है। जैक जल्दी से कार ड्राइव करने लगता है। आधे घंटे में जोंगकुक हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। कार रुकते ही जोंगकुक देखता है जिन हॉस्पिटल के एंट्रेंस के बाहर खड़ा है। जोंगकुक जल्दी से कार से निकलकर अपने मॉम के पास आकर कहता है, मॉम आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? जिन जोंगकुक के हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए अंदर ले जाने लगता है। जिन उसे इमरजेंसी रूम के पास लाकर फिंगर से कमरे के अंदर पॉइंट करते हुए कहता है, देखो उसे। जोंगकुक अपने डैड को हॉस्पिटल के बेड पर देखकर इमोशनलेस और एक्सप्रेशनलेस फेस लेकर कहता है, वो तो ए मरा नहीं है। जिन जोंगकुक के चेहरे पर थप्पड़ मारकर कहता है, क्यों किया तुमने ऐसा? जोंगकुक गुस्से में जिन के तरफ देखता है। जिन कहता है, उसे मैं अपने हाथों से मारना चाहता था। ये सुनकर जोंगकुक के फेस पर एक इबिल स्मार्क आ जाता है। जोंगकुक कहता है, उसने आपको बहुत चोट पहुंचाया है। जिन कहता है, हाँ इसलिए उसे मारने का हक भी सिर्फ मेरा है। उसे मारने का हक
मैंने किसी और के हाथ में नहीं दिया, तुम्हारे भी नहीं। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।